Honorable Chief Guest, Engineer Dr. Paul Dasha, Vice Chancellor, Karakoram International University, Minister of Education, Dr. Jajukhan, Mr. Abdul Jahan, Secretary of Information, Mr. Rao Sansar, SSP Sir, Chhoti Dishri Jai Jajukhan, Director of Public Relations, Mr. Mir Tazim, Ex-Chairman, CM Task Force on Youth Development, Mr. Sajid Mir, faculty members, COA CEO, Hindi team, senior journalists, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. थोड़ा सा मैं अपना तारीफ करवाऊंगा. कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किट्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड है. बेसिकली इनका काम, जैसे कि नाम से जाहिर है, बच्चों को तंबाकू के असरात से बचाना, तंबाकू माफिया से बचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे बहुत सारे जो मुकर्रम हैं, जो पहले उससे हो चुके हैं, उन्होंने तंबाकू नोशी से बचाव के लिए बताया. लेकिन आप देखें, हमारा जो मेन मकसद है लॉ बनाने का भी, उसमें आप देखें तो क्विट स्मोकिंग पर बहुत कम तवज्जो है, लेकिन स्मोकिंग की रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा, और वो रोकथाम है बच्चों के लिए. हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त दुनिया के 28 ममालिक में काम करती है, और वहां पे बच्चों को बचाने के लिए एफर्ट्स करती है. टोबैको माफिया जो इस वक्त दुनिया में दो बड़ी कंपनी है, बाकी भी और है, एक है फिलिप मॉरिस और एक है पाकिस्तान टोबैको, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बेसिकली, इनके खिलाफ, और जापान टोबैको है, चाइना इंपीरियल टोबैको है, बहुत सारी और बड़ी माफियाज हैं जो कि दुनिया में बच्चों को टारगेट करते हैं. मैं आज आपको बताऊंगा कि जब आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप देखते हैं दुकानों को, वहां पर कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स पड़े हैं. आप ये मत सोचिए कि वो टोबैको प्रोडक्ट रैंडमली पड़ा है, वो रैंडमली नहीं, वो वहां पर्पसली पड़ा है. क्यों पर्पसली पड़ा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों उसको वहां रखा गया और उस तरीके से क्यों रखा गया उसको भी मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा. सिर्फ थोड़ा सा मैं हिंदुस्तान को दे दूं, 23.9 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान यूज टोबैको. दिस इज अ ह्यूज पॉपुलेशन. और स्मोकिंग 15.6 मिलियन है, जबकि स्मोकर्स टोबैको जिसमें सब चीजें आती हैं. एक चीज जो प्रोडक्ट्स आपको सब बताएंगे, उसमें एक चीज और भी अब ऐड हो गई है पाकिस्तान में, और वो बहुत तेजी से फैलाई जा रही है थ्रू सोशल मीडिया. उसका नाम है वेलो. वेलो एक छोटे से पाउचेस है जिसमें निकोटीन को डाला जाता है और उसको मुंह में रखा जाता है, जस्ट लाइक स्वाद. लेकिन इंडस्ट्री क्या कहती है उसको, वो कहती है कि ये हम निकोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, जबकि निकोटीन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमें मालूम है. तो वो इसलिए कहते हैं ताकि वो किसी कानून से बच सके जो पाकिस्तान में मौजूद है, ताकि वो टोबैको प्रोडक्ट के अंदर ना, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा सख्त काम हो रही है. इसको वो सोशल मीडिया पे भी पेनिट्रेट कर रहे हैं, और उस समय आप देखें तो उसको, यानी उनकी जो भी इश्तहारात हैं उसमें वो बुनियादी तौर पर यंग लोगों को दिखाते हैं, जिसमें वो माचो बने हुए हैं, ऐसे जैसे कि बड़ी पावरफुल चीज है. इट इज नॉन न्यूट्रिशनल, इट डजंट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट इज नेगेटिव इकोनॉमिकल द कंट्री. मैं आपको बताऊंगा किस तरह. सिर्फ पीछे सर 10.7% इन टोबैको यूजर्स में बच्चे हैं, उनकी एज ग्रुप 13 से 15 साल है. 13 से 15 साल का बच्चा सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता ज्यादा, वो सही फैसला नहीं कर सकता अपनी जिंदगी के बारे में, और यही वो बच्चे हैं जिनको बचाने के लिए आज हम मौजूद हैं. ये लॉ हम बनाते हैं, इन लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए आप जैसे लोगों के पास आते हैं, जर्नलिस्ट का सहारा लेते हैं, जर्नलिस्ट हमारी मदद करते हैं, यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा सहारा बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारा सहारा बनते हैं, पॉलिटिशियन हमारे लिए बात करते हैं. ये वो टारगेट ग्रुप है जिसको हमने बचाना है, क्योंकि अगर हम आज इनको बचा लिए तो हमें फिर तंबाकू नोशी से बचाव की किसी मुहिम की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आने वाले 10-15 सालों में आपके पास स्मोकर रहेगा ही. 1,70,000 बंदे मारे जाते हैं, 1200 चिल्ड्रन रोजाना स्मोकिंग शुरू करते हैं. ये क्यों? इसलिए कि जब 1,76,000 मर जाते हैं, ये वो उनके परमानेंट कस्टमर्स हैं,
जो हर रोज 2 या 3 सिगरेट की डब्बिया पूछ जाते हैं उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब 1,70,000 बंदे हर साल मर जाएंगे तो नए कस्टमर कहां से आएंगे? नए कस्टमर इन बच्चों से बोलेंगे, क्योंकि ये बच्चे जब स्मोकिंग शुरू करेंगे तो फिर सारी जिंदगी इनके कस्टमर है। 2 हर 5 में से 2 जो सिगरेट शुरू करते हैं वो बच्चे हैं अब जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम होती है। ये बहुत अलार्मिंग है। एक नया सर्वे है गैट्स जिसको बोलते हैं, WHO कराता है, उसके तहत ये बात बड़ी अलार्मिंग की सामने आ रही है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों की स्मोकिंग की तादाद में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, जो कि बहुत ज्यादा है। और पहले ये रेशो 6 से 1 थी, अब ये रेशो 5 से 2 है, जो कि बहुत ज्यादा लाभ है और इस पर हमें सबको काम करने की जरूरत है। प्लीज आप खुद ही अंदाजा कर लो, टेररिज्म में डेथ होती है, पूरा मीडिया चीज चला रहा होता है, HIV/AIDS, इवन आप जो कोरोना में है, कोरोना की डेथ रेशो less than 1% या 2% है। स्मोकिंग की डेथ रेशो आप देखें 1,70,000 और कोई आवाज नहीं। इसलिए टोबैको माफिया इसके ऊपर बहुत काम करती है कि इसकी नेगेटिव पब्लिसिटी ना होने पाए, ताकि लोगों को यह अंदाजा ही हो कि खतरनाक है। प्लीज, इसका हमारी इकॉनमी पर भी कोई असर नहीं, बल्कि नेगेटिव इकॉनमी। जो टोटल रेवेन्यू पाकिस्तान में जनरेट होता है, सिर्फ सिगरेट्स की बात करूंगा, वो तकरीबन 113 अरब रुपए है। ये रेवेन्यू भी हर बंदा जो सिगरेट पैकेट खरीदता है वो अपनी जेब से लेता है। जो सिगरेट माफिया है, जो कंपनीज है, वो सिर्फ उसको कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को देती है। जो टैक्स वो देते हैं वो हार्डली 2 से 3 अरब रुपया है। गवर्नमेंट की अपनी एक रिसर्च जो इस साल शाया हुई है, पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल ने की है, उसके तहत 192 अरब का टोबैको से सिर्फ नुकसान हो रहा है। तो आप देख रहे हैं 113 अरब आप दे रहे कमा रहे हैं, 192 अरब आप खर्च कर रहे हैं काम की बंदी, गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। 37 अरब का रेवेन्यू इसलिए हमारा लूज हो जाता है कि टोबैको इंडस्ट्री अपने सारे प्रोडक्ट्स डिक्लेयर नहीं करती, अंडर रिपोर्टिंग करती। तो आप देख लीजिए इकोनॉमी में किस तरीके से हमारे हर तरफ से हमें लूटने के चक्रों में है, टोबैको हर लिहाज से हमारे मुल्क के लिए नुकसान दे। 2017 टोबैको माफिया ने चंद अफराद से मिलकर जो FBI में मौजूद थे सिगरेट की कीमत को आधा कर दिया, क्योंकि टैक्स आधे हो गए। उस साल सिर्फ सिगरेट की प्रोडक्शन ले गया, बाकी सब कैरेटिव में सिगरेट की प्रोडक्शन जम कर दी। ये इस तरह काम करते हैं, ये इन्होंने अपने माफिया से अपने लोग इम्प्लांट किए हुए चीजा चीजा अदारों में, और फिर उनको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए और मुल्क के नुकसान के लिए। ये बच्चों को टारगेट करते हैं, ये कोरोना के मतलब हर खबरें को लाते हैं। एक खबर डॉन में शाया हुई कि जो सिगरेट स्मोकर है उसको कोरोना कम होता है, जिस पर हम सब ने फिर शोर डाला और फिर WHO की तरफ से हमने एक्सप्लेनेशन ले दी कि इस तरह ऐसे नहीं है, बल्कि वो तो ज्यादा वल्नरेबल है। यंग वंस को फेक जॉब, एक नई चीज इन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि इस साल शुरू में बैटल ऑफ माइंड्स के नाम से, कि बच्चों को कि हम बड़ी अच्छी जॉब्स देंगे और उनको कॉन्टेस्ट कराते हैं और हजारों का पता आते हैं बच्चों को, का मकसद उनका प्रमोशन ऑफ सिगरेट्स। इलिसिट डिलीजन दे के गवर्नमेंट को कहते हैं आप टैक्स ना बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो गैर कानूनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आ जाएंगे। ये फजूल किस्म का बयानिया है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, इस साल जून में एक इश्तिहार पब्लिश हुआ इन्हीं की तरफ से डॉन में कि 40 अरब रुपए का नुकसान होता है टोबैको इंडस्ट्री को। जून में सेम इश्तिहार इंडोनेशिया में भी पब्लिश कर देते हैं, एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड, सिर्फ नाम ही है कि सिर्फ अपनी पब्लिसिटी स्टंट्स है, कोई इसमें रियलिटी नहीं। गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने से रोकते हैं, इनके इतना इन्फ्लुएंस है कि अभी हमने 2019 में हेल्थ एवी बिल पास करवाया कैबिनेट से, इमरान खान उसको एग्री हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिनिस्टर हेल्थ एग्री हुआ, तमाम कैबिनेट एग्री हुई, उन्होंने अप्रूव किया, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा इसको बजट का हिस्सा बनाया। जब वो दोबारा बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ उसमें वो कहीं नहीं,
एफडीआर के बंदों ने उसको चुपके से निकाल लिया और पूरे पाकिस्तान को धोखा डाल दिया। अभी हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह रिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पहली टारगेट एक स्टडी हमने करवाई थी साउथ एशिया में, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका शामिल थे, और हमने ये देखने की कोशिश की टोबैको इंडस्ट्री किस तरीके से हमारे बच्चों को टारगेट करते हैं। तो हमने देखा कि सिंगल स्टिक्स बेची जाती है। अब सिंगल स्टिक्स क्यों बेची जाती है? गरीब आदमी भी ज्यादा से ज्यादा एक सिगरेट खरीदने की ताकत रखता है, लेकिन बच्चे सिंगल स्टिक अगर मतलब पैसे हों भी तो सिंगल स्टिक लेते हैं, क्योंकि वो घर से छुपाते हैं अपनी स्मोकिंग को। जब वो डब्बी खरीदेंगे तो वो डब्बी छुपाना मुश्किल है, इसलिए वो सिंगल स्टिक लेते हैं। बीयर बस का इसमें हमने बैन लगाया पाकिस्तान, लास्ट टू ईयर्स बैन लगा, लेकिन फिर भी अवेलेबल। नेक्स्ट प्लीज, आप देखें 90% जो है वो अवेलेबल। परचेज इनिशिएटिव्स लेते हैं मुख्तलिफ शॉप्स पे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ये बेच सकें। कैंडीज के साथ रखें टोबैको प्रोडक्ट्स, उनको इस तरह रखें कि उनकी तस्वीर सामने ना हो, उनको इतने नीचे रखें कि बच्चे उसको देख सके। ये सारी चीजें टोबैको इंडस्ट्री शॉपकीपर्स को बताती है, फ्री प्रोडक्ट्स पे। ये सारी बातें पूरे इस साउथ एशिया में एक जैसी है, उसमें कोई फर्क नहीं। इसलिए उनका मेन मकसद सिगरेट बेचना नहीं बल्कि बच्चों को सिगरेट पर लगाना है, क्योंकि ये बच्चे उनके मुस्तकबिल कस्टमर्स हैं, इनको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट कस्टमर्स। नेक्स्ट प्लीज, कोविड की सिचुएशन है आपको बता दी। नेक्स्ट, आगे बैटल ऑफ माइंड्स यंग मंस के साथ खेलने का एक तरीका है, मैंने नया निकाला, साउथ एशिया में चलाते रहे, पाकिस्तान में याद आए। नेक्स्ट प्लीज, इलिसिट ट्रेड। नेक्स्ट प्लीज, हेल्थ वार्मिंग पे एक बहुत जबरदस्त काम हुआ, आई डोंट नो कि आपको पता है इस बारे में। 2015 में मिनिस्टर ऑफ हेल्थ उस वक्त की सारा फसल तारण, उन्होंने ऐलान किया कि वी आर गोइंग 85% ऑफ हेल्थ वार्मिंग ऑन अ सिगरेट पैक। अनाउंस हो गया पूरी दुनिया में, हमारे लिए बड़ा हो गया, मिनिस्टर को अवार्ड भी मिल गया WHO से, हम लोग भी गए तालियां बजाने बजाय। उस वक्त के एक मिनिस्टर, बड़े ताकतवर मिनिस्टर और ब्रिटिश एम्बेसडर, वो हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुंचे, ये आपने क्या कर दिया। यानी आप अंदाजा लगाएं टोबैको मार्केट कितना स्ट्रांग है, और वो सारा 85% वाला SRO रोक किया गया। फिर हमने बड़ी मेहनत से इनके ऊपर पर्चे वगैरह करा के लीगल हिच हमने उसमें निकाली, और इनके ऊपर हमने पर्चे कराए पाकिस्तान में। उस वजह से ये 50% और 60% पे एग्री हो गए, और आज ये 60% हेल्थ वार्मिंग है। 85% वाले SRO पे हम हाई कोर्ट में इस वक्त गए हुए हैं, और होपफुली इस साल इंशाल्लाह हमें तो है कि अदालत हमारी बात मानेगी और करेगी। लेकिन 60% पे भी ये करते हैं कि इमेज को ब्लर कर दें, इमेज छोटी कर दी, या उसके ऊपर कुछ लिख दिया ऐसा कि वो इमेज का जो इफेक्ट है वो खत्म हो। ये इसीलिए करते हैं, इनको मालूम है कि इस इमेज से फर्क पड़ता है स्मोकर्स को नहीं, लेकिन बच्चों जो नए स्मोकर स्मोकिंग करने जाते हैं उनको जरूर फर्क पड़ता है। हमारी एफर्ट्स स्मोकर्स के खिलाफ नहीं, हमारी एफर्ट्स बच्चों को स्मोकिंग से बचाने के लिए है, और इसीलिए हम ये सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट है इस रीजन में एज फार एज ग्राफिकल हेल्थ वार्निंग इज कंसर्न, क्योंकि नेपाल में 90% हो गया, इंडिया ने हमारे डेटा देखी 85% कर लिया, हम फिर पीछे हो गए। श्रीलंका में 80% है, पाकिस्तान में 60% पैक के ऊपर हेल्थ वार्निंग है, हमारे पीछे सिर्फ हमारा भाई बांग्लादेश मौजूद, बाकी सारे आ गए। नेक्स्ट, 1200 पाकिस्तानी चिल्ड्रन की याद रखने की बात, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चे हर रोज स्मोकर बनते हैं, इनको हमने रोकना है। इनको इंडस्ट्री टारगेट करती है, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको रोकें। हमने नेक्स्ट वीक हमने इसको रोका, लेट अस स्टॉप टोबैको किल आवर चिल्ड्रन, दिस शुड बी आवर मोटो, दिस शुड बी आवर एम, दिस शुड लीड अस टू आवर एक्शन।